नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में ओबीसी पर सियासी पारा हाई है। विजय शर्मा ने बघेल सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 4 से 5 साल में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए जिनकी सरकार जांच कराएगी। डिप्टी सीएम के इस बयान पर आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में ओबीसी पर सियासी उबाल आ गया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बघेल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 साल में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए जिनकी सरकार जांच कराएगी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार एसटी एससी ओबीसी की विरोधी है। जब से बीजेपी सरकार बनी, जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया। विजय शर्मा एक भी शिकायत बता दें, जांच किस आधार पर करेंगे। ये तो गलत है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है, और जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जाति की व्यवस्था आप कैसे ला दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे कल पता चली है बातें कि छत्तीसगढ़ में भी विगत 4-5 वर्षों में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में ये प्रमाण पत्र बनाए गए। हम उसकी भी जाँच करें। एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जाँच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जाँच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना जाँच कर पाए थे योगी का, वो बात करेंगे। ओबीसी से शुरू हुई सियासत रोहिंग्या तक पहुंच गई। भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार को रोहिंग्या मुसलमानों को खोज निकालने का चैलेंज दिया। बघेल ने कहा कि बीजेपी राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों की बहुत चर्चा करती थी, लेकिन अब तो उनकी ही सरकार है, उन्हें खोज लेना चाहिए। इसका जवाब डिप्टी सीएम ने दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जबरदस्ती रोहिंग्या शब्द जोड़ दिया। नए केस हमारे पास हैं जिन्हें गांव वाला और बीएलओ नहीं जान रहे, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। हर तरह के व्यक्ति और बातों को कहते हैं ये गलत है, परिस्थितियों को बदलने की कवायद गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है, 6 महीने हो गए सरकार, एक भी बता दे इनको चुनौती दे रहा हूँ। उन्होंने जबरदस्ती रोहिंग्या शब्द जोड़ दिया है। हम तो कह रहे हैं कि ये कौन है बताया जाए जो आए, वो कौन है जिनको न गाँव वाला जान रहा है न बीएलओ जान रहा है, वो कैसे गाँव में घुस कर आ गए भाई। और एक गांव नहीं भैया, गांव गांव में ऐसा हो गया है। हर तरह की बातों को अपन कह रहे हैं कि यह गलत है भाई, ऐसे घुसपैठ गलत है, इस तरह से परिस्थितियों को बदलने की यह कवायद गलत है, स्थानीय लोगों को पीड़ा होती है, विवाद हुआ हमारे यहाँ वोटिंग के समय में। तो ओबीसी पर सियासी रार जारी है, सरकार जाँच की तैयारी में है, तो वही जाँच कहीं विपक्ष के लिए चुनौती न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। मुकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उचित जी, आखिर आप ये ओबीसी आरक्षण पर जो सियासत चल रही है इसे किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो आप अभी का जो दृश्य है और पहले भी जो चुनाव के दौरान हमने देखे और ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बात चली, अभी फिलहाल तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ओबीसी वर्ग है अभी राजनीति के मुख्य केंद्र पे बना हुआ। हकीकत ये है कि जब 5 साल में भूपेश ने अगर किया है जो अगर काम हुआ है धर्म को लेके, जाति को लेके, ओबीसी को लेके, भूपेश बघेल सरकार में वो उनके केंद्र बिंदु में आ गए। ओबीसी को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाने का काम तो भूपेश सरकार ने किया है, भूपेश बघेल ने किया है। तो उनके अब मसीहा बोल लो या उनके तारणहार बोल लीजिए या ओबीसी के मुखिया बोल लीजिए, आप कह सकते हैं कि ओबीसी के एक बड़े नेता के रूप में तो वो उभर के आए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई ओबीसी को लेके कोई बात होगी तो पूर्व मुख्यमंत्री से बयानबाजी भी होगी। कुल मिला के रितु, अभी फिलहाल इसके पीछे उद्देश्य जो है केवल राजनीति करना अभी नजर आ रहा है। हकीकत में ये है कि जो ओबीसी के आरक्षण की बात है, ये पूरा का पूरा इसका जन्म जो है, आप देखिए ये अभी क्यों बात हो रही है। कल जो निर्णय हाई कोर्ट कोलकाता का आया जिसमें धर्म आधारित आरक्षण को खत्म करने की जो बात कही, जो पसमंदा मुसलमानों को लेकर खत्म करने की बात कही, उसको लेके पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी नो डाउट उसको फुल एडवांटेज लेना चाहती है, पूरे भरपूर तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इसको बताना चाहती है, छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में भी उसी की ये चर्चा है। तो इसका पूरा लाभ, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है कि जाति धर्म और आरक्षण इन चीजों पर चर्चा है। अब एक विशेष बड़ा वर्ग है छत्तीसगढ़ में, लगभग 52-54% के आसपास जो है वो ओबीसी वर्ग है, और ओबीसी वर्ग के नेता भूपेश बघेल है।
ये तमगा, ये इशारा, ये मुखियापन भारतीय जनता पार्टी अब उनके पालनहार, तारनहार और उनके कर्ता धर्ता बनना चाहते कि भाई हम असल आपके मुखिया और असल पालनहार या हम आपके हैं। ये जद्दोजहद उसकी विषय है, ये कवायतें पूरी उसके लिए हो रही है। ये टोटल राजनीति का विषय है और राजनीति पूरी भरपूर हो रही है दोनों ही दलों में। ठीक ठीक अमित श्रीवास्तव जी, पिछले 4-5 साल खूब यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाए गए, कई तरह के गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है और जांच कराने की बात भी कर रही है। जी देखिए, मुझे लगता है सर्टिफिकेट अगर ये कह रहे हैं कि फर्जी बना है तो सरकार इनका, प्रशासन इनका जांच करा ले और जिन्होंने भी गलत किया है उसे सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर करना चाहिए। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं और लगातार जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा से एसटी एससी ओबीसी आदिवासियों की विरोधी सरकार रही है और जिस प्रकार से अभी उचित शर्मा जी कह रहे थे कि ये पूरी चर्चा क्यों चालू हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि लगातार अगर कल कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश आया जिसमें 2011 के बाद जो ममता बनर्जी सरकार ने जो पहले वहां पर 2011 में 108 जातियां आती थी ओबीसी में और उसके बाद 71 अन्य जातियों को उसमें जोड़ा गया जिसमें 65% जो मुस्लिम जातियों को जोड़ा गया था ओबीसी में और 6 उसमें हिंदू जातियों को जोड़ा गया था, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल उस आदेश को निरस्त कर दिया और उन्होंने कहा कि 1992 पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत ही जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के तहत ही, एक्ट के तहत ही वो बनाया जाएगा। और हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो दिया है, मुझे लगता है कि उस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए कि एक संविधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो कि मैं खुद एक लॉयर हूं, मुझे एक बात आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहनी है कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं हाई कोर्ट का आदेश को नहीं मानूंगा, मुझे लगता है कि ये कहीं भी लोकतंत्र में और संवैधानिक उसमें बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपके पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। अगर हाई कोर्ट का कोई आदेश आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। लेकिन ये कहना कि हम जो सुप्रीम कोर्ट ने कल हाई कोर्ट ने जो 5 लाख आवेदनों को निरस्त किया है वो खामियां देख के किया है। और लगातार आपको मैं बता दूं हैरानी की बात कि एक भी जाति प्रमाण पत्र हमने फर्जी, जो ये भाजपा के नेता कह रहे हैं ना कि हम जांच कराएंगे, कराइए ना, अभी तक आपने क्यों नहीं कराया? तो सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति मत करिए, जनता समझदार होती है साहब, सारी चीजों को समझती है। और मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अमित जी, फिर ऐसा तो नहीं होगा जांच होगा और कल्पेट कोई निकलेगा उसमें, फिर आप कहेंगे कि जानबूझकर उसे फंसाया जा रहा है? देखिए, बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे रितु जी मैं कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति उसमें पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई सर्टिफिकेट बनी नहीं है। और अगर बनी है, अगर ये भाजपा के नेता कथाकथित कह रहे हैं और अगर ये जांच कराते हैं तो उस पर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे ये मांग भी भाजपा नेताओं से करता हूँ। लेकिन भाजपा के नेता दो कामों में बड़े माहिर होते हैं रितु जी, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना, इसमें इनकी मास्टरी होती है और जनता सारे सवालों का जवाब देगी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के इस डिसीजन को अगर वो पूरी तरीके से पढ़ लेते तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के नेता इस टाइप का वक्तव्य नहीं देते। आधा आधा कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, आधा आप पढ़ के आ गए, आधा कहीं आप अपने मन से बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सारी चीजों को समझना चाहिए और आपके पास शासन है, प्रशासन है, सरकार आपकी है, जांच करवा लीजिए। मुकेश जी, सब कुछ सरकार के हाथ में है, सिर्फ सरकार बातें ही कर रही है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों जांच नहीं कराई जा रही है, सिर्फ बयानबाजी ही चल रही है? ओबीसी आरक्षण में जांच करवाने की बात आती है तो इसका मतलब निश्चित रूप से कि उनके अधिकारों में कोई खलल तो नहीं हो रहा है। इस बात की चिंता यदि भारतीय जनता पार्टी करते हैं, हमारे नेता करते हैं, तो फिर कांग्रेस को इसमें आपत्ति किस बात की है भाई? और यदि 52% यहाँ पे ओबीसी है और पिछले दिनों चुनाव में आप देखे होंगे जब कांग्रेस पार्टी को नकार दिया यहाँ के जनता ने, उसके बाद ये कौन से ओबीसी के हितैषी बने, कौन से ओबीसी के हितैषी रहे, ये भी सिद्ध हो गया है। लोकतंत्र के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। अच्छा मुकेश जी, एक बात बताइए, आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट्स जो है कांग्रेस की सरकार में
रहते हुए बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स बने, आपके पास किस आधार पर ये जो आरोप लग रहे हैं, कुछ प्रूफ, कुछ लोग हों जो आपके कॉन्टैक्ट में हो, ऐसा कुछ पता चला? वो भी आ जाएंगे जब बोला जा रहा है उसका कोई ना कोई अर्थ है, जब कोई बोला जा रहा है उसके पीछे अर्थ है, बिना तथ्य के बात नहीं हो रहा है, तथ्य के आधार पे बात हो रहा है। बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग में जिनको आरक्षण दिया गया है वो ओबीसी वर्ग में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये प्रश्न का विषय है। कितनी बड़ी संख्या होगी? ये आप सुन लीजिए, ये ओबीसी वर्ग के साथ में मजाक है। यदि धर्म आधारित आरक्षण, धर्म के आधार पे आप ओबीसी और इस तरीके की बात यदि किए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें प्रश्न चिन्ह उठेगा। और ये सब चर्चा भी इसीलिए है, पिछले दिनों आप देखे होंगे 4-5 प्रदेशों में आरक्षण दिया गया धर्म के आधार पे, आप उस धर्म के अंदर में ओबीसी ढूंढ रहे होंगे और उनको आरक्षण दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ में ये मजाक है, उनके अधिकार का हनन है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि कह रही है कि हम ओबीसी वर्ग में जिनको आरक्षण मिला है उनका जांच करवाएंगे, तो इसमें तकलीफ कांग्रेस पार्टी को क्यों हो रही है? कांग्रेस तो कह रही है, अभी अमित श्रीवास्तव ने भी कहा कि आप जांच करवाइए ना, आप जांच क्यों नहीं करवाते, सिर्फ बोलते क्यों हैं? अरे जांच के बाद में इनको इतना तकलीफ हो रहा है, खाली जांच का विषय आया, अभी जांच होगी, समय के साथ जांच होगी तो और निकलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कब शुरू होगी समझ लीजिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के ओबीसी लोगों का हक नहीं मार सकते, ये भी तय है। भारतीय जनता पार्टी यदि लोगों को ओबीसी आरक्षण मिला है पिछले दिनों, यदि सर्टिफिकेट बने हैं तो उसका जांच करवाएगी, वो उस श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं, यही बात हम कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए भाई? और फिर कहते हैं हम ओबीसी के हितैषी हैं, ये दो अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक, यदि आप ओबीसी के हितैषी हैं और हम सर्टिफिकेट की जांच करवाना चाहते हैं तो हमारा समर्थन आपको करना चाहिए, इसमें तकलीफ कांग्रेस पार्टी को क्यों होनी चाहिए? कह रहे हैं वही मुकेश जी, वही बात मैं भी दोहरा रही हूँ, अमित जी भी दोहरा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप करवाइए जांच, आप करवाते क्यों नहीं, ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? जांच हुआ नहीं, जांच की बात हुई तो इनको तकलीफ क्यों हो गई? जांच होने दीजिए ना, जब जांच की बात कर रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है? जांच यदि हमने कहा जांच करवाएंगे तो जांच होगी, जांच की बात आई उसमें इनको तकलीफ होने लगा, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया है कि ओबीसी कैटेगरी में ऐसे लोगों का भी, वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, बीजेपी जो कैटेगरी में जांच करवाती है, जो जांच बीजेपी करवाती है और जो सामने रखती है, जो जांच में सामने आता है उसमें ट्रांसपेरेंसी बीजेपी नहीं रखती है, आधा सच बताती है आधा झूठ बताती है। आप किस आधार पे कह सकती हैं? मैं नहीं कह रही हूँ, अमित जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, अमित जी कह रहे हैं, कह रही है किस जांच के बारे में कह रही हैं? जांच यदि हो सब जांचों के बारे में कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, पूरी बात आप सुनिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कोई भी जांच आप करवाते हैं उसका जो भी सच सामने आता है आप आधा सच दिखाते हैं आधा झूठ दिखाते हैं। ये हताश निराश लगातार चुनाव में हारी हुई पार्टी, अंतर कला से जूझ रही पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इसी प्रकार की बातों का, जो जिसका जनता के हित से जुड़ी हुई बात ना हो, हर चीज में प्रश्न उठाना, तथ्यहीन प्रश्न उठाना, यही कारण है कि आज गर्त में जा रही कांग्रेस पार्टी लगातार हार से हताश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर काम में रोड़ा अटकाना, हर काम में प्रश्न चिन्ह उठाना, ये इनकी आदत बन गई है। सवाल पूछ रहे मुकेश जी मैं आपसे, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आराम से जवाब दीजिए ना, इतना हाइपर मत होइए, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। लौटू आपके पास अमित जी एक बात, ठीक है लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, रुकिए रुकिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखिए, मुझे क्या कितने आवाज में बोलना है ये भी तय मत करिए। ठीक ठीक ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास अमित जी, ये सवाल का जवाब दीजिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ बहुत कॉन्फिडेंस में कांग्रेस थी, नकारा आम जनता ने, तो कहीं ना कहीं उपेक्षा पिछड़े वर्ग की हुई है ना, तभी ऐसी हालत हुई ना। देखिए लगातार हमने सर्वहारा वर्गों के लिए काम किया और मुझे लगता है कि इस प्रकार से भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जनता ने नकार क्यों दिया? दिस इज नॉट द करेक्ट, ये क्या है? अब जब ये बोल रहे थे तो मैं तो सांस सुन रहा था। देखिए क्या होता है जब भाजपा के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं होता और मैनिपुलेटेड मीडिया ग्रुप के सदस्यों को जब सिखा के भेजा जाता है कि आपको इसी पे बोलना है, आपको कहते ना कि आपको इसी लाइन पे जाना है, आपने पूछा, हमने वो विरोध तो कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे
अगर ऐसा कुछ हुआ है, हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है। अगर आप कह रहे हैं हुआ है तो जांच करा लीजिए, उस पर आप मानने को तैयार नहीं है, आप इधर उधर ले जाना प्रश्न को ले जा रहे हैं, आप एंकर से झगड़ा करना चालू कर देते हैं। तो मुझे लगता है जब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हाईकोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम हाईकोर्ट ने उचित नहीं माना है। और लगातार ये आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हमने ओबीसी वर्ग को जिस प्रकार से आरक्षण दिलाने के लिए हमने प्रयास किया, उनकी लड़ाइयों को लड़ा, और भाजपा शासन में तो वकील तक खड़ा नहीं करते थे ये हाईकोर्ट में, और लगातार जिस प्रकार से हमने उन लड़ाई को लड़ा। और इतना अगर एक बार इतना इन्हें घमंड है, एक मिनट देखिए, अगर इतना इनको घमंड है, डबल इंजन की सरकार है और आरक्षण का बिल राज्य भवन में अटका हुआ है, प्रधानमंत्री अभी वही रुके थे, कह देना था हो जाता साइन, लेकिन उस पे ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ कहते ना कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से ओबीसी वर्ग की बड़ी भूमिका है, इस पर सियासत लगातार होती है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कमी रह गई या नाकामी रह गई, इस वजह से हार का मुंह देखना पड़ा और लगातार पीछे होते जा रही है कांग्रेस? देखिए, लोकतंत्र में जीत हार लगे रहती है। हाँ। और कहते ना कि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी। और एक चीज आपको रितु जी मैं बता दूं कि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और हम सच बोल के भी हार गए, झूठ बोल के भी जीत गए, लेकिन ये भूले ना, हम तो आज भी 35 है, ये 14 में गए थे, 14 सीटों में सिमट गए थे। तो छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझती है, और जिस प्रकार ये कहते हैं ना हमारी साएं साएं सरकार चल रही है, नहीं, ये साएं साएं सरकार नहीं है, ये आएं बाएं सरकार है, ये कुछ भी कर रही है इसे समझ में नहीं आ रहा है। दे आर हाईली कंफ्यूज, हर मामले में कंफ्यूज है, इनको पता ही नहीं है कि अभी आप जब इनके नेताओं से पूछती है तो जवाब नहीं दे पाते, तो जितना सिखा के भेजा गया है ये उसी में बात करते हैं। विद्वान प्रवक्ता है मुकेश शर्मा जी, निश्चित तौर पर बहुत 200-300 डिबेट हम लोग साथ में किए होंगे, लेकिन पता नहीं आज ज्यादा समय नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार उचित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए उचित जी, यहाँ पर सियासी एजेंडा हर बार तैयार किया जाता है, जब जब चुनाव आते हैं बड़ा फोकस इस वर्ग पर रहता है, आपने बीजेपी से भी सुना, कांग्रेस से भी सुना, क्या लग रहा है आपको ये सब देख करके? कोरी राजनीति रितु, सिर्फ कोरी राजनीति, बुनियादी बातों से कोई मतलब नहीं, केवल ओबीसी को बारे में चर्चा करना है। एक्चुअली ये लड़ाई ओबीसी का हमदर्द कौन, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो नूरा कुश्ती हो रही है दोनों ही राजनीतिक दलों में, ये केवल इस बात के लिए रही है कि ओबीसी का नेता हकीकत में कहे तो भूपेश बघेल बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी ओबीसी के इतने बड़े चेहरे, हालांकि आशीर्वाद मिला है, नो डाउट मैं मुकेश जी की बात मानता हूँ कि आशीर्वाद मिला है, अभी 2023 के चुनाव में ओबीसी वर्ग का बड़ा आशीर्वाद मिला है, लेकिन एक तबके का मिला, ओबीसी में भी बाइफरकेशन है, तो एक तबके का मिला है, एक समाज का मिला है। वो अभी ओबीसी वर्ग के अगर आप देखें तो भूपेश बघेल एक बड़े नेता बन के उभरे हैं, उस वैक्यूम को, उस जगह को रिप्लेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी कवायद है। आप ओबीसी जो मुद्दा है, जो इशू है, हकीकत ये कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो दिया, कोलकाता में मैडम जो है सीएम मैडम, उसको उनको आरक्षण देके, एक मुस्लिम वर्ग के उन साथियों को आरक्षण देके राजनीतिक लाभ लिए जा रहे थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, और उसी पे कुठाराघात हुआ है। लेकिन वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो राजनीतिक लाभ, वो अन्य उस स्टेट के लिए है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में राजनीति उस विषय पे हो रही है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है। तो ये विषय चीजें सब्जेक्ट जो है छत्तीसगढ़ का तो है ही नहीं, विषय हमारा है नहीं। आप देखिए कि ओबीसी को लेके तमाम बातें हैं, 27% आरक्षण को लेके हुई, 52% करीबन उनका चीज है, लेकिन हकीकत में ओबीसी को लेके जो जिरा बातें हो रही चाहिए थी, कि अभी फिलहाल सिंपल अगर आप कहें राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। समय चुकी कम है, शर्मा जी यहीं पर विराम लगाना चाहूंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश की सियासत में ओबीसी वर्ग की बड़ी भूमिका है, और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से जोर लगाती है सत्ता में रहने के लिए, और ये जो सियासत है आखिर कब तक चलती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।